जय जगन्नाथ। ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज आम जानिबा मंगल ग्रहंकर राशि परिवर्तन विषय। मंगल ग्रह कर्कट राशि को गोचर करुछंती, तो मंगल ग्रह कर्कट राशि गोचर करिबा 12टी राशि उपरे यार कौन प्रभाव पड़ुछि मु आपण को यही वीडियो माध्यम रे मेषरु मीन राशि पर्यंत जणेबी। तो जो मैंने आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो जदि पसंद आसते निश्चय वीडियो गोटे लाइक करूँ। मंगल ग्रहंकर विशेष भूमिका थाए ग्रहमंडली। मंगल ग्रह कार्य करिवार क्षमता, कौनसी भी कथार ठीक भूल निर्णय नेबा, एहा होउछि मंगल ग्रहंकर प्रतीक। मंगल को एक साहस शक्तिशाली ग्रह मानि थाउ। एहा राशि चक्र अनुसारे मेष एवं विच्छा राशि ग्रह देवता मानि थाउ। मंगल ग्रह को संपत्ति, भूमि, घर, गाड़ी, वाहन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र साहस प्रतीक मानि थाउ। मंगल ग्रह भल स्थिति थिले मनुष्य को सबकिछि प्राप्त होइथाय, नचेत जीवन सारा दुख सहिबाकु पड़िथाय। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति हेउछन्ति मंगल ग्रहर मित्र, बुध, राहु हेउछन्ति शत्रु। जदि मंगल ग्रह जातक बा कुंडली रे लाभर घरे विराजमान थांती, मनुष्य तांको जीवन रे बहुत लाभ देखिबाकु पाइथांती। अन्यडे मंगल ग्रह जदि कमजोर स्थिति रे थांती, दुर्घटना, बारंबार ऑपरेशन, हार्ट पेन, स्वास्थ्य खराब बारंबार देखा मिलता है। मनीष बहुत राग मध्य आखपाख सांगसाथी सह कड़ी झगड़ा करी मंगल खराब स्थित जदि था। आसतु बर्तमान आम जानवा मंगल ग्रहंकर गोचर समय। मंगल ग्रह 2 जून 2021 सकाळ 6:39 रु 20 जुलाई 2021 संध्या 5:30 जाए कर्कट राशि गोचर करिवे। तापर सिंह राशि गोचर करिजिवे। एहा रहिला मंगलंकर राशि परिवर्तनर समय। आसंतु वर्तमान आम जानिबा 12टी राशि विषय। 12टी राशि कौन प्रभाव पड़ुछि, क्यों राशि को मिलुछि लाभ एवं क्यों राशि सतर्क ही रहिया को पड़िबो, ताहा मु आपनको गोटी गोटी करी एही वीडियो माध्यम रे जणौछि। सर्वप्रथमे आम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि मंगल आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान होउछंती। चतुर्थ घर सीधा माँ संपत्ति, निर्माण काम, वाहन, पुत्रिक संपत्ति सह जोड़ित थाए। मन शांति रहिबो एही समय रे। व्यवसाय रे सफलता देखिया को पाइबे। चाकरी क्षेत्र उच्च पदवी प्राप्ति हेबो। कार्य क्षेत्र रे मान सम्मान प्राप्ति हेबो। निजर कैरियर बनेबे एही समय रे। माता पिता स्वास्थ्य बड़े ध्यान दिंतु मेष राशि वाले। सप्तम घरे मंगलंकर दृष्टि पड़िबा, निज जीवन साथी सह कौनसी कथा को नहीं मतभेद मध्य देखा दे पारे। मेष राशि वाले पास्ट कथा को नहीं मनरे अस्थिरता देखा देव, जो द्वारा मनरे एक प्रकार डर भय लागि रहिबो, मन अशांति लागि रहिबो। एही मंगल आपण को कौनसी काम पई तरबर मध्य करे पारंती। मनरे परिवार सदस्य को नहीं राग मध्य उपजी पारे। एहा द्वारा घरे अशांति देखा दे पारे। पुराणा संपत्ति बा जमी घर किणा बिका काम एही समय रे करंतु नाही, नचेत बहुत बड़ा क्षति रे पड़ी पारंती। एही समय रे पुराणा रोग पुणी देखा दे पारे, जेमितिका आपण को जदि आगर हार्ट प्रॉब्लम अछि तो सेटा पुणी बाहरी पारे संभावना अछि, तेणु निज स्वास्थ्य को जगि चाहे चलंतु, स्वास्थ्य को केयर करंतु, योगा एक्सरसाइज सब किछि करंतु। उपाय अनुसार कहिबाकु गले छोट छोट छुआ मानकु चॉकलेट बांटंतु। सप्ताह जे कोनोसी भी दिन जदि मंगलवार दिन जदि बांटिबे तो बहुत ही भल रहिबो। जदि आपनक पाके समय रहुने मंगलवार दिन बांटिया पे तो सप्ताह जे कोनोसी दिन आपन छोट छोट छुआ मानकु चॉकलेट बांटि परंती। एहा द्वारा कोन हबो ना मंगलंगर जहां भी खराब प्रभाव थिबो ताहा कटी कटी जीव। मंगल भगवान आपनक उपर प्रसन्न हेबे। आसंतु वर्तमान आम जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि मंगल तृतीय घरे विराजित होउछंती। तृतीय घर को साहस घर कहा जाए। यही समय आपण जेकोसी भी कम करेंगे आपणकर साहस दक्षता बढ़
କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଡରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ପାଇବେ। ଇଆଡ଼େ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସଫଳତାର ବାଟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଉପାୟ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ଏତେ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜିତ ହେବେ। ଏହା ଧନ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା ନିଜ କରୁଥିବା କାମ ବା କଥା କହିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ହିଁ ଆଘାତ କରାଇବେ ଆପଣ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। କାମ କରିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା, ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି କଥା ଯଦି ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସଞ୍ଚରଣ ସମୟରେ ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। କାମର ପ୍ରେସର ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାସ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ପ୍ରଥମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଜିତ ହେବେ, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସୁନ୍ଦରତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ମନରେ ବିରକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ, ମନରେ ନେଗେଟିଭ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ରାଗକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବେଳେ। ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଧନର ଲାଭ ରହିଛି, ତା ସହ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧନ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀର ଗତିରେ ଆସିବ। ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଇ କଥା ପୁରୁଣା କଥା ବି ହୋଇପାରେ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଥା ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା। କୌଣସି ଏମିତି କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକ ସନ୍ଦେହ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସାବଧାନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ଯୋଗୀ ଚାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ଯଦି କିଛି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଧୋକାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ରହୁ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ବାରତମ ଘରେ ବିରାଜିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର। ବିଦେଶ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ବାରତମ ଘର। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅନାବନା କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲର ଚକର ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହି ସମୟରେ। ଧନର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇଆଡ଼େ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହରାଶି ବାଲେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଆପଣ। ଏହି ସମୟରେ ଅଫିସରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିନା ମତଲବ କିଛି ନ ବୁଝି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଏମିତିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳି ଝଗଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନିଦ୍ରା, ପେଟ ସମସ୍ୟା, ନିଜ ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉ,
तो हनुमान चालीसा आपणको प्रत्येक दिन गाधे सरला परे पढ़िया को हबो जो द्वारा मंगलंकर किछि कुप्रभाव आपणको पर न पड़ी सबु किछि भलरे कटिबो। कन्या राशि मंगल आपणको 11 तम घरे विराजित हेबे। एहा आय एवं निजर इच्छा शक्तिर घर मध्ये कुहा जेथे। मंगल कर्कट राशि रे विराजित हेबे। एते भलो नाही आपणको पई मनले नकारात्मक विचार आसीबो। बिना मतलबर नकारात्मक विचार आपणको मनको आसीबो। जेमिति के किछि ना किछि गोटे कथा को नहीं कौन होगला कि एमती होगला कि माने आपण चाहू नथिबे सेमितिया प्रकार नकारात्मक विचार आसीबो। खर्च बढ़िबा आपणकर टंका उधारी मागिबे निज रिलेटिव सांग साथी माने जो द्वारा मानसिक चिंता मध्ये आपणकर बढ़िबो। कार्य क्षेत्र रे जो माने अछंती करथुबा काम रे मन लगांतु काम चेंज करंतु नाही। कन्या राशि वाले एही समय रे नचेत बड़ विपद रे पड़ी परंतु आपण बिजनेस मामलें एकदम भल रही। समय किसी भी बड़ कम कर वंचित रुहतु। धनर लाभ रही अचथा धनर हानि ही हे मानते धनर क्षति ही हे। जेकोसी जो आप किसी बड़ कम करने को चाहूँ मैंने बिजनेस मामलें तो सावधान रुहतु। ये समयटा आप भल ना। लव लाइफ रे जो मैंने अच्छा निज पार्टनर सह एक विश्वास रखु विश्वास संपर्क रखु। स्वास्थ्य उपये ध्यान दिंतु। आघात हेबार संभावना अच्छी। समय रे कौन करेंगे कन्या राशि वाले सबकि सहित भल हम। तंबार पात्र दान करंतु जेकोसी मंदिर रे मंगलवार दिन तंबार थाली तंबार घंटी जहाँ भी हो दान करंतु सबकि सहित भल ही हम। तुला राशि आपणकर दशम घरे मंगल विराजित हेबे जहाँ नाम एवं मर्यादा सह जुड़ित। कामरे मन लगे आपणकर प्रत्येक कामरे निज टैलेंट देखाइबे। समय बहुत अनुकूल अटे। यह समयटा भाग्यर सहारे बसंतु नहीं। निज भितरे जहाँ भी प्रतिभा अच्छी ताहा देखान्तु। निज कैरियर बनंतु कारण मंगल कर्कट राशि विराजित हेबा निज कैरियर बनिबो। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबो। प्रेमर मामलें किसी असुविधार सामना करने को पड़पे कि संघर्ष पड़पे। वैवाहिक जीवन कथा कह सबकि भल रही। दुजन भितर विश्वास बढ़िबो अंडरस्टैंडिंग बढ़िबो प्रेम बढ़िबो। स्वास्थ्य मध्यम धरण रही। कौन करेंगे सबकि सहित भल मंगलवार दिन माता मंदिर दर्शन कर आसतु। जेकोसी ठाकुराणी मंदिर जदि आपणको घर पाखे जेकोसी भी ठाकुराणी मंदिर अच्छी प्रत्येक मंगलवार दिन जा ठाकुराणी को दर्शन कर आसतु। मंगल ग्रह कौन भी कुप्रभाव आपण न पड़ी सबकि भलि कटु। बिछा राशि मंगल आपणकर नवम घर विराजित हेबे। यह धर्म भाग्य गुरुजन ज्ञान विदेश यात्रा सह जोड़ित अटे। यही गोचर द्वारा शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक चिंता देखाई पारे। यही समय निज लक्ष्य हासिल पई निज करथुबा काम एवं निज उपरे पूरा विश्वास रहिबा दरकार। जदि निज उपरे विश्वास नहीं किंबा मु जहा करूछि किछि मते भल काम करू नहीं निज उपरे जदि संदेह करिवे तो कोनोसी प्रकार लक्ष्य हासिल हबो नहीं। बिछा राशि वाले तेणु जहाँ भी आपणको लागुछि आपण जहाँ भी करूछन्ति एतिरे सक्सेस निश्चय हेबी। जदि लागुछि सेमितिया काम करंतु जो द्वारा आपण निज लक्ष्य हासिल करि पारिबे। पुराणा समस्या दूर हम जेकोसी भी पुराणा समस्या किंबा कलेज उड़ाई किसी भी जो प्रॉब्लम थी ता दूर हम। बिजनेस रे इनकम बढ़िबा आपणकर परिवार स्वास्थ्य उपरे ध्यान दिंतु। धार्मिक आड़क ये मन लगे ना समय आपको आपंक जदि लगुए कहीं तो अच्छा आपणकर गुप्त शत्रु तो से दूरे रुहतु। कहीं जदि आप बारंबार क्षति कर इनसल्ट कर लगुच कि सी आप गुप्त शत्रु अटंती तो तांकर दूरे रुहतु। किंबा सेने जा जगक जातु ना एवोड करूँ सेमित मामलें दूरे रुहतु। स्वास्थ्य कथा कहले निज को फिट रखु योगा एक्सरसाइज करूँ। कौन करेंगे विचार आस सबकि भल रो। कला कुकुर को मंगलवार और शनिवार दिन किसी खावा दान करूँ। रुटी हो बिस्किट हो जहाँ भी हो कला कुकुर को मन रखु मंगलवार और शनिवार दिन खावाक दिंतु। धनु राशि मंगल आपणकर अष्टम घर गोचर कर लाभ हठात क्षति सह जोड़ित अटे। यही घर यही गोचर द्वारा निज जीवन जहाँ भी करी भाभी चिंती करने को पड़
प्रत्येक स्टेप चालाकीर सह नेबाकु पड़िबो आपणंकु, किंतु आपण कोउटा भल कोउटा मंद सबु किछि जानि परिबे। कार्यक्षेत्रले बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िबो, निजो कामकु नै यात्रा जोग मध्य अछि। मन खाली टंका खर्च करिबाकु हि कहिबो, सांगसाथी उपरे खर्च करिबि बोली बारंबार आपणंक मनकु लागिबो, किंतु कंट्रोल करिबा आपणंक हातले रहिला। एही समय रे जदि लोन नेबाकु चाहूचंती तो नेई परिबे, किंतु सहजरे काम बनिबनी। परिवार रे सुख शांति रहिबो। स्वास्थ्य उपरे टिके ध्यान दियंतु, आखि पेन देखा दे परे किंबा एमती भी अभ्यास हे परे आपणकर बारंबार जे कोनोसी गोटे जिंस को देखिबा, नचेत गोटे जिंस देखि मनरे नाना प्रकार कथा चिंता करिबा, एमितिका प्रॉब्लम देखा दे परे। जदि आपण निया सहित जोडित किछि काम करूचंती तो सावधान सह करंतु। कौन करिबे आपणक सहित सबकिछि भलरे कटु धनराशि बेले आपणक किछि उपाय तो नाही, किंतु आपण जेऊ देवी देवता को मानुछंती से देवी देवता को स्मरण करि असंतु। मंगल ग्रहंकर कौनसी भी कुप्रभाव आपणक उपरे पड़िबो नाही। मकर राशि, मंगल आपणकर सप्तम घरे गोचर करुछंती। एहा विवाह पार्टनरशिप रे काम सह जोडित। एही गोचर द्वारा वैवाहिक जीवन रे कलह सृष्टि होई परे, एथिपई आपणकु शांत रहिबाकु पडिबो। कोनोसी भी एमिति कथा निजो पार्टनर सहित शेयर करंतु नै जोडा तांकु पसंद ही नथिबो, नचेत बाद विवाद कलह सृष्टि होई परे। बिजनेस पार्टनरशिप रे जदि अछंती सेथिले मध्ये असुविधा देखा दे परे। जो माने विवाह करिबाकु चाहूचंती एही गोचर समय रे तो कोनोसी कथा को नै विवाह डेट टा घुंची मध्ये जाई परे। आर्थिक स्थिति ठीक रहिबो, टंका आसिबो। दिनचर्या ठीक भावे करंतु। पेट समस्या यूरिन इनफेक्शन देखा दे पारे। उपाय अनुसार कहिबा कोले प्रत्येक मंगलवार दिन गुड़ दान करंतु जेकोनसी मंदिर रे। मंगल ग्रहंकर कौनसी भी कुप्रभाव आपणक उपरे पड़िबो नाही। कुंभ राशि, मंगल आपणकर षष्ठ घरे गोचर करुछंती। एहा ऋण दैनिक इनकम शत्रु सह जोडित थाए। एही गोचर समय रे निजो बिजनेस को ध्यान देकि श्रमिक मानक सह भल व्यवहार रखंतु, नचेत कळे झगड़ा देखा दे पारे। कार्यक्षेत्र निज सीनियर ऑफिसरक राग सामनारे सामना करिबाकु दूरे रहंतु, कारण जदि ऑफिसर कोनसी कथा को जदि आपनक ऊपर रागुचंती तो आपन चुप रही जंतु। एही समय रे अनावश्यक खर्चर मध्य दूरे जंतु। 12तम घरे मंगलंकर दृष्टि पड़िबालु अचानक खर्च मध्य होइ पारे। दाम्पत्य जीवन टिके चिंताग्रस्त देखा देबो, एथिपे निज जीवन साथी सह अंडरस्टैंडिंग ठीक रखंतु, तांको बुझंतु, तांको समय दियंतु। स्वास्थ्य कथा कहिबा कोले स्वास्थ्य मध्यम धरण रहिछि। कौन करिबे कुंभ राशि बोले सबकिछि आपन सहित ठीक रहिजो, कोनोसी प्रकार असुविधा न हो। एही मंगलंकर राशि परिवर्तन करिबा द्वारा कौन करिबे ने हनुमान चालीसा पढ़ंतु प्रत्येक दिन गाधे सला परे। मीन राशि, मंगल पंचम घरे गोचर करुछंती। एहा शिक्षा संतान प्रेम रोमांस सह जोड़ित थाए। एही गोचर समय रे निज संतानक स्वास्थ्य उपरे ध्यान देबाकु पड़िबो, तांको पाठपढ़ा उपरे ध्यान देबाकु पड़िबो। बिजनेस क्षेत्र जो माने अछंती बहुत लाभ रहिछि। विद्यार्थी मानक पई मध्य एही समय बहुत अनुकूल अटे। प्रेम मामला रे जो माने प्रेम विवाह करिबाकु चाहूछंती एही समय अति उत्तम रहिछि। दाम्पत्य जीवन रे मिश्रित फलदायक रहिछि। कार्यक्षेत्र रे आपणकु उच्च अधिकारी सपोर्ट पाइबे। उपाय अनुसार कहिबाकु गले सुंदरकांड पढ़ंतु बा शुणंतु, जदि आपणक द्वारा हे परिचित पढ़ंतु नचेत शुणंतु, बहुत ही शुभदायक रहिबो। मंगल ग्रहंकर गोचर आपणक उपरे कोनोसी प्रकार कुप्रभाव पड़िबो नाही। आशा करछि ए वीडियो आपणक पसंद आसिबो। जदि पसंद आसिबो ताले निश्चय लाइक सह आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।